अस्सलाम वालेकुम क्लास 10, आई एम योर कंप्यूटर टीचर, होप सो यू आर वेल। टुडे इज़ वेनसडे एंड डेट इज़ 20 मई 2020। सो क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू यूनिट नंबर 5, डेट इज़ सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था। आज जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास सब प्रोग्राम, टाइप ऑफ सब प्रोग्राम्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन बच्चों क्या है इसके अंदर कि जैसे ज़्यादातर कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम जब लंबे हो जाएं तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सिवाय GW बेसिक के, जो इनका आसान जो है इस्तेमाल जो है हम लोगों को बताती है। ठीक है, एक अलग बड़े प्रोग्राम को छोटे और मैनेजेबल हिस्सों में जो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें सब प्रोग्राम्स या हम लोग मॉड्यूल्स कहते हैं। ठीक है, GW बेसिक में वैसे भी इसको मॉड्यूल्स और सब प्रोग्राम के हमारे पास यही डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसे इस तरह बनाया जाता है कि वो एक स्पेसिफाइड काम करके खास जो है आप लोगों के पास वैल्यूज़ हैं उसको रिटर्न कर सके। ठीक है, अब GW बेसिक में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सब प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें हमारे पास यूज़र डिफाइंड है और जो है बिल्ट इन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं बच्चों? ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको प्रोग्रामर जो है वो यूज़ कर सकता है, और ताकि समटाइम्स को तब यूज़ करता है तब जब उसको जो कोड्स जो हैं वो ना लिखने पड़े, समटाइम्स वो तब यूज़ करता है, समटाइम्स वो खुद ही उसको खुद लिख सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कोई ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम जो प्रोग्रामर होता है ना वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस दिखता है। फंक्शंस हमेशा कॉलिंग जो आप लोगों के पास कॉलिंग मॉड्यूल्स को, अब फंक्शन क्या करता है, फंक्शन हमेशा कॉलिंग मॉड्यूल्स को एक स्पेसिफाइड जो है वैल्यूज़ देता है। हम लोग अभी तक काफ़ी पढ़ चुके हैं हम लोग इधर कि किससे आगाज़ करेंगे, इसका बिगिन किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फंक्शंस के साथ करेंगे। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, जैसे आप लोगों को पहले भी बताया गया कि स्टैंडर्ड फंक्शन जो होता है वो बेसिक लैंग्वेज के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसका यूज़ उनके नाम के साथ उनको यूज़ करना पड़ता है। हर फंक्शन का एक स्पेशल नेम होता है, स्पेसिफाइड नेम होता है, उसके बाद जो है वो ब्रैकेट्स दी जाती हैं। ब्रैकेट्स में क्या होता है कि ब्रैकेट्स में आर्गुमेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल, एक्सप्रेशन या दूसरे फंक्शंस की जो है वो शक्ल में दिया जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फंक्शन आर्गुमेंट के मुताबिक जो है आप लोगों का वर्क करता है। अगर किसी स्टेटमेंट में कोई फंक्शन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर यूज़ किया जाए तो ये स्टेटमेंट में किसी वेरिएबल की निस्बत उस पर से पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास आज के हमारे पास सही टॉपिक जो है अब स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शन। जैसे आप लोगों को पता है बिल्ट इन फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जो पहले से डिफाइंड कर दिए गए हैं, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस हम लोग आपकी बुक से देखते हैं, आपकी बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ये फंक्शन इससे क्या होता है कि ये फंक्शन जो आप लोग की दी गई ऑपरेंड्स होते हैं उस पर ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं और आप लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, असल में ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो लैंग्वेज बनाने वाले खुद लिख देते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग इसमें नहीं लिख देते, जिस टाइम आपकी लैंग्वेज बनाई जा रही होती है उस टाइम इसको लिख दिया जाता है, इसमें हम लोग चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या, बेसिक में बहुत से हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिन्हें सिर्फ हम लोग कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक जो है वो हमारे पास अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो होता है न्यूमेरिक फंक्शंस होते हैं, दूसरा पार्ट जो होता है हमारे पास होते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। तो आज हम लोग न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरिक फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे हमारे पास फंक्शंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूमेरिक जो है न्यूमेरिक वेरिएबल्स के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। इनकी वजह से हम, इनकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिक रिजल्ट जो हैं वो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, बेसिक में वैसे तो हमारे पास बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ जो चंद एक ही हैं हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है ABS फंक्शन। ABS फंक्शन हमारा न्यूमेरिक फंक्शन का पहला है। ABS फंक्शन क्या होता है, ABS फंक्शन का पर्पस क्या है, ये फंक्शन क्या करता है, ABS फंक्शन की हेल्प से एक एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हम लोग हासिल होती है, यानी ऐसी वैल्यू जिसकी कोई भी, जिसमें कोई भी माइनस का सिंबल ना हो। ठीक है, फॉर्मेट आप देख सकते हैं ABS X। अब इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल अगर की बात की जाए तो देखें, प्रिंट में उसने कहा लिख 10 ABS -15, 20 प्रिंट ABS -12.45। जब उसने रन किया तो उसने दोनों की वैल्यू विदाउट माइनस दी। वो यही कह रहा है ना कि इसने विदाउट माइनस के काम करना है।
अब आप आगे हमारे पास अगला जो है वो है हमारे पास इन फंक्शन। इन फंक्शन बच्चों क्या होता है, इन फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन सबसे बड़ा इंटीजर आप लोगों को इंटीजर जो है वो देता है जो कि x से छोटा या बड़ा होता है, ठीक है। इन इन द केस ऑफ होल नंबर इट रिटर्न द सेम नंबर। होल नंबर के केस में ये कौन सा रिटर्न नंबर करता है, आप लोगों का सेम नंबर ही रिटर्न करता है। अगर हम लोग इसका फॉर्मेट देखें तो हमारे पास फॉर्मेट क्या है, इंट x। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आप लोग देखें कि एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है, 10j इज इक्वल टू इन 3.999, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने 20 को प्रिंट किया j को, तो उसने जब रन किया तो हमारे पास इन कोई भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं आई, जबकि वो यहाँ पे 4 दे सकता था। लेकिन इन फंक्शन जो होता है वो ऐसा कुछ नहीं करता, इसीलिए उसने उसको इसी तरह हमें रिटर्न कर दिया। आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्केयर फंक्शन का, इंशाल्लाह इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही, इसको अच्छे से याद करें। इसके अंदर आप लोगों का याद करने वाला टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम है, उसके अंदर आप मॉड्यूल्स की डेफिनेशन है, सब प्रोग्राम की डेफिनेशन है, बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इसके अलावा जो न्यूमेरिक फंक्शन में आप लोगों को ये फंक्शंस पढ़ा रही हूँ, ये भी आप लोगों के याद करने वाले हैं।